जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज किस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है, वो बताने वाला है सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, मतलब जीडीपी से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जीडीपी से हम क्या समझते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चनवा देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से आप क्या समझते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, लिख दिया मैंने यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारे जीडीपी का फुल फॉर्म है। आइए इसको डिटेल में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला लिखा गया है सकल घरेलू उत्पाद। अब इसी शब्द को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं भैया। सकल का मतलब जो होता है ना, सकल का मतलब होता है कुल, कुल सभी, ठीक है। और घरेलू का मतलब होता है घर का, क्या होता है घर का। उत्पाद का मतलब समझते ही, एक उत्पाद यानी जैसे कोई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसे मोबाइल का निर्माण करना है ना, या कोई नई नई चीज़ बनाना किसी कंपनी में बनाना है ना, तो वो सब उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या समझे कि सकल का मतलब कुल, क्या हुआ कुल, ओके। घरेलू मतलब घर का और उत्पाद यानी उत्पाद, यानी कुल घर के उत्पाद को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो घरेलू यानी घर का, तो यहाँ घर का क्या चीज़ से संबंध है, तो पूरे देश से क्या चीज़ से संबंध है। घरेलू यानी ये पूरा देश की बात हो रही है, ठीक है, यानी पूरे हमारे भारत देश में, ओके। तो कहने का मतलब कि कुल यानी पूरे भारत देश में जो हमारा उत्पाद होता है, क्या होता है, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आइए थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको डीप में। देखिए उत्तर हमारा यहाँ पे लिखा गया है कि किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर, जैसे भारत मेरा देश है ना, हमारा देश है, मेरा नहीं, हमारा कहेंगे क्योंकि हम सबका है, ठीक है। तो भारत हमारा देश है, तो किसी देश के अंदर, मान लो कि भारत देश, ठीक है, तो किसी देश के अंदर एक वर्ष में, याद रखिएगा कितने वर्ष में, एक वर्ष की अवधि, एक पीरियड जो समय होता है, एक वर्ष की अवधि यानी एक वर्ष की पीरियड, ठीक है। तो एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, उत्पादित मतलब जो उत्पाद किया गया वस्तु है, जैसे मोबाइल है, घड़ी है ना, ये सब कुछ भी प्रोडक्ट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी उत्पादित करती है वो सारे के सारे वस्तु, है ना। तो एक वर्ष की अवधि में जितने भी उत्पादित वस्तु है, बना हुआ वस्तु है, बना हुआ प्रोडक्ट है ना, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक, मौद्रिक यहाँ संबंध कहता है पैसा से, मुद्रा है ना, मौद्रिक यानी मुद्रा, रुपया, पैसा से। तो कुल मौद्रिक या के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे देश में, पूरे देश में जितनी भी उत्पाद होते हैं, जितने भी उत्पाद होते हैं, उन सभी को मौद्रिक में बदल देना नहीं, पैसों में कन्वर्ट कर देना, वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आप बारीकी से समझ रहे हैं ना, जो अच्छा लगे जैसे आपको समझ में आया वैसे एग्जाम में लिखिए, नो डाउट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं या कहा जाता है, आपने देखा, ठीक है। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय, आय यानी इनकम, राष्ट्रीय आय क्या हुआ कि हमारे देश में जितने भी जीडीपी है, ठीक है, तो जो भी व्यक्ति कमाते हैं उन सब का जीडीपी क्या होता है, एक साथ ऐड कर देते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है, आय यानी इनकम, ठीक है। तो किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को पता लगाने के लिए, है ना, पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का गणना करना पड़ता है, यानी जीडीपी का गणना करना पड़ता है। यानी मान लेते हैं कि जितने भी हमारे देश में लोग हैं, सबका जो जीडीपी है उस सबको ऐड करेंगे, गणना करेंगे, तो वो जब ऐड कर लेंगे तो उसे हमें क्या होगा, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय पता लग जाएगा। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी भी शब्द का मतलब आपको डाउट नहीं हुआ होगा, सब जितने भी अर्थ हैं वो समझ गए होंगे शब्द का अर्थ। तो भैया आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोशल साइंस का दिया गया है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो। तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए तो तनी, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, ओके।